सबसे पहले हम रिपोर्टिंग चेक करेंगे ऑडियंस में। ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे। ऑडियंस का डाटा हमें शो करता है कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर आए हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए हैं, चाहे वो फेसबुक पोस्ट के ज़रिए आए हैं, चाहे वो एडवर्ड्स के ज़रिए आए हैं, चाहे वो गूगल ऑर्गेनिक रिजल्ट के ज़रिए आए हैं। तो ऑडियंस में हमें शो करता है कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं या आए हैं। तो अभी इसके अंदर हमारे पास कोई डाटा शो नहीं हो रहा। ये इस वजह से है क्योंकि एनालिटिक्स की ट्रैकिंग नहीं सेटअप, ये डमी अकाउंट और रिजल्ट्स ट्रैक नहीं कर रहा। तो वी विल मूव टू द एक्टिव एनालिटिक्स अकाउंट इन विच वी हैव स्टैट्स। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑडियंस के ओवरव्यू में मुख्तलिफ स्टैट्स शो हो रहे हैं। सेशंस, यूजर्स, पेज व्यूज, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, बाउंस रेट एंड परसेंटेज न्यू सेशंस, न्यू विजिटर और रिटर्निंग विजिटर। न्यू विजिटर, रिटर्निंग विजिटर को का तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि रिटर्निंग विजिटर वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले भी आए हों, और ये दोबारा इस पीरियड ऑफ टाइम में 57% जो ऑडियंस थी हमारी वेबसाइट पर आई है वो रिटर्निंग विजिटर की थी, और 42% वो लोग थे जो हमारी वेबसाइट पर पहले कभी नहीं आए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेशंस क्या होते हैं। आप अगर सेशन के ऊपर माउस होवर करेंगे अपने कर्सर को, गूगल एनालिटिक्स आपको बता देगा कि सेशन क्या होता है। सेशन इज़ द पीरियड टाइम ए यूज़र इज़ एक्टिवली इंगेज विद योर वेबसाइट। सेशन वो होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जिसके अंदर यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ एक्टिवली इंगेज हुआ है। तो हमारे पास 15,294 सेशन हैं, मीन के 15,294 टाइम्स डिफरेंट यूज़र्स हमारी वेबसाइट के साथ एक्टिवली इंगेज हुए हैं। इसके बाद आए थे हमारे पास यूज़र्स। यूज़र्स में हमारे पास डाटा होता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर आए हैं, मीन्स हमारी वेबसाइट पर अभी शो हो रहे हैं 11,582 यूज़र्स। अब सेशंस और यूज़र्स में ये है कि 11,582 यूज़र्स के ज़रिए हमारे पास 15,294 सेशंस आए हैं। सेशन हमारे पास ज़्यादा हैं, यूज़र्स हमारे पास कम हैं। एक यूज़र जो है उस वो 3 से 4 सेशंस भी कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेज व्यूज़। हमारे वेबसाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेज व्यू हुए हैं वो हैं 65,664। हमारे पास टोटल 65,664 पेजेस नहीं हैं, लेकिन हमारे पेज जो हैं 65,664 टाइम व्यू हुए हैं। जो जितने भी हमारे 20 पेजेस हैं हमारे वेबसाइट के अंदर या 30 पेजेस हैं, वो टोटल जो हुए हैं 65,664 टाइम्स व्यू हुए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पेजेस पर सेशन। ये हमारे पास सेशंस हैं और ये है पेजेस पर सेशन। पेजेस पर सेशन शो कर रहा है कि एक सेशन में एक यूज़र ने कितने पेजेस को व्यू किया है। 15,294 सेशन हैं और पेजेस पर सेशन रहा है 4.29, यानी कि एक सेशन में हमारे पास 4.29 पेज व्यू हुए हैं ऑन एवरेज। उसके बाद आ जाता है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सेशन के दौरान विजिटर हमारी वेबसाइट पर कितनी देर रुका है। जिस तरह एक सेशन में हमारे पास 4.29 सेशन हैं, पेजेस पर सेशन है, उसी तरह आप 4.29 पेजेस पर सेशन मतलब के वो 3 मिनट और 42 सेकंड इन एवरेज हमारी वेबसाइट पर रुका है और उसने 4.29 पेजेस व्यू किए हैं ऑन एवरेज। इसके बाद है हमारे पास बाउंस रेट। बाउंस रेट रिप्रेजेंट करता है कि कितने परसेंट लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और बगैर किसी इंटरेक्शन के वेबसाइट से ड्रॉप हो गए हैं, यानी कि जो बंदा विजिटर ने वेबसाइट के ऊपर आया है उसने कोई और एक्शन नहीं लिया और वेबसाइट से ड्रॉप हो गया। अब हमारा इस केस में 51% बाउंस रेट है। ये जिस वेबसाइट का बाउंस रेट है उसका मेन कॉल टू एक्शन है कि लोग फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करें। हमने क्लिक टू कॉल फ़ोन नंबर वेबसाइट में डाला हुआ है हेडर के अंदर। तो अक्सर विजिटर्स ऐसे भी होते हैं जो आते साथ फ़ोन नंबर पर क्लिक करते हैं और
इधर वेबसाइट लीव कर देते हैं, तो एनालिटिक्स उनको भी हाई बाउंस रेट में कंसीडर कर लेता है, लेकिन वो विजिटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो हमें कॉल्स कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर आपका हेडर के अंदर क्लिक टू कॉल फ़ोन नंबर नहीं ऐड, यानी कि आपके विजिटर्स उसके ज़रिए नहीं ड्रॉप हो रहे, तो फिर आपका 51% रेट थोड़ा सा हाई है। कोशिश करें बाउंस रेट को 40% तक लेकर आएँ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्क्वीज़ पेज होते हैं जो वन पेज लैंडिंग पेज होते हैं, उनके अंदर नॉर्मली हमारा बाउंस रेट हाई होता है। स्क्वीज़ पेज के अंदर हाई बाउंस रेट इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कॉल टू एक्शन होता है, ज़्यादातर होता है वो फॉर्म फिल आउट का। तो लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं, अगर उन्हें फॉर्म फिल आउट करना होता है तो वो स्टे करते हैं, अदरवाइज़ वो एकदम वेबसाइट को लीव कर देते हैं। तो उस केसेस में भी अगर आप स्क्वीज़ पेजेस भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका बाउंस रेट हाई होगा, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो फिर आपका बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए, यानी कि 40% से कोशिश करें आपका बाउंस रेट कम हो, क्योंकि उसके अंदर आप चाहते हैं विजिटर्स को फर्दर एक्शन ले, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करें और परचेज़ कंप्लीट करें। तो आपका उस केस के अंदर बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए ई कॉमर्स के अंदर। After this we have percentage new sessions. Percentage new sessions represent कर रहा है कि कितने परसेंट ऑडियंस जो थी वो न्यू थी। 57% जो सेशन हमारे पास आए हैं वो फर्स्ट टाइम विजिट्स के ज़रिए आए हैं। तो ये था ऑडियंस का सेक्शन। हमें ऑल ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये भी चेक करते रहें कि हमारी वेबसाइट पर टोटल ट्रैफिक कितनी आ रही है। इसके अंदर मैं अगेन आपको बता दूं, एडवर्ड्स की भी ट्रैफिक शामिल होगी, डायरेक्ट ट्रैफिक जो लोग डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जा रहे हैं वो भी शामिल होगी। डायरेक्ट ट्रैफिक हम उसे कहते हैं जिस तरह मैं होम अरीना को डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में लिखते साथ चला जाता हूँ, तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक।